अरकस के बोलो, साइकिल चलाना है और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा बचाना। अभी हमारा जो लोग साइकिल चलाते हैं, आप संजीव जी चलाते हैं कि नहीं? साइकिल नहीं, यहाँ तो आप बोल दिए कि चलाते हैं, आप फिर कहाँ तक चला पाइए? नहीं, जिसको जैसे मान लीजिए बीपी रहता है या बहुत तरीके का प्रॉब्लम, जितना चला सकते हैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि आए दिन देख लीजिए कि पॉल्यूशन पूरे तरीके से और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मंत्री तेज प्रताप यादव जो उनके संगठन है DSSS के साथ पटना में साइकिल यात्रा निकालेंगे। जिस तरह से बात करें कि जो मंत्री तेज प्रताप यादव हैं लगातार पर्यावरण को लेकर सक्रिय हैं और इसको लेकर जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन DSS जो उनका संगठन है उनके साथ वो पटना में साइकिल यात्रा निकालेंगे, पहले क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री तेज प्रताप यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। हम साइकिल से यहाँ पे आए। साइकिल कौन कौन यहाँ चला रहे हैं? बच्चे लोग चलाते हैं कि नहीं साइकिल? अरे कस के बोलो, साइकिल चलाना है और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा बचाना। अभी हमारा देखो 2 तारीख को हम बता दें, हमारा एक संगठन है DSS, 2 तारीख को हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, 2 तारीख को। अब वृक्षारोपण भी करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे JP आवास तक और हम वृक्षारोपण भी करने का काम करेंगे। तो जो लोग साइकिल चलाते हैं, आप संजीव जी चलाते हैं कि नहीं साइकिल? नहीं, यहाँ तो आप बोल दिए कि चलाते हैं, आप फिर कहाँ तक चला पाइए? नहीं, जिसको जैसे मान लीजिए बीपी रहता है या बहुत तरीके का प्रॉब्लम, जितना चला सकते हैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि आए दिन देख लीजिए कि पॉल्यूशन पूरे तरीके से और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी अपना है। अभी देखिएगा कि आजकल क्या हो रहा है, मरीन ड्राइव जो बना है, मरीन ड्राइव हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने उसको देने का काम किया। अभी देखिए कि वहाँ पर मरीन ड्राइव में फूड कोर्ट तो लगाता है सब, हम ब्लॉगिंग भी किए वहां जाके, और फूड कोर्ट जो लगाता है उसमें देखेगी, उसमें कोई अगर शाम में अगर चला जाए तो मोटरसाइकिल इतना तेजी से चलाता है, उसमें लहरियां मारते हुए निकलते हैं। जो लोग साइकिल चलाते हैं, आप संजीव जी चलाते हैं कि नहीं साइकिल? नहीं, यहां तो आप बोल दिए कि चलाते हैं, आप फिर कहाँ तक चला पाइए? नहीं, जिसको जैसे मान लीजिए बीपी रहता है या बहुत तरीके का प्रॉब्लम, जितना चला सकते हैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि आए दिन देख लीजिए कि पॉल्यूशन पूरे तरीके से और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी अपना है। तो उसमें है कि अपने, अब देखिए कि उससे भी जो पेट्रोल और फिर से डीजल जो धुआं निकल रहा है, और भी देख लीजिए मान लीजिए फैक्ट्री है उसमें से धुआं जो निकल रहा है उसको किस तरीके से रोकथाम किया जाए। शहरों में आप देख लीजिए कि जो बिल्डिंग को पुराना बिल्डिंग होता है उसका गिराता है, उससे भी बहुत धूल उड़ता है, गंदगी होता है, तो उसको कैसे संरक्षित करना है? तो साफ सुथरा भी आपको अपना शहर को रखना है। कुछ दिन पहले हम यहाँ हमारे जो पीछे अरण्य में जो ऑफिस है हमारा, वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद हुआ कि देखे कि एक लड़का है कि वो नया कोई बाइक आया है, वो बाइक चलाया बड़ा तेजी से। हम बोले कि इसको पकड़वाना पड़ेगा, क्यों है पूरा साउंड दे रहा है, नॉइज फैला रहा है पूरे तरीके से। इस पर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है। अच्छा, लाउड स्पीकर, जो लोग लाउड स्पीकर भी बजाते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ का उतना नहीं, यहाँ पे इसलिए इसको, ये जो अपना हॉल जो बना है जू के अंदर में, इसमें बच्चे लोगों को और भी जितने यूथ्स हैं यहाँ पे, सब लोग बैठे हैं, सब लोग इसमें देखते हैं सिनेमा, जानवर के बारे में, तरह तरह एनिमल्स के बारे में, इसमें अभी डायनासोर वाला इसमें लगाते हैं आप लोग, 3D मूवी। तो आपने सुना मंत्री तेज प्रताप यादव किस तरह से पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं और लगातार वो कहते हुए नजर आते हैं कि साइकिल चलाइए और हम साइकिल से ऑफिस जाते हैं, और उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को दिन अपने जो संगठन है DSS के साथ पटना के सड़कों पर निकलेंगे और JP
के जो आवास है वहां पर जाएंगे और पौधा लगाएंगे। तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।